था, मैं नाश्ते की टेबल पे अपना नाश्ता कर रहा था तो नबील भाई आया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा पाकिस्तान टीम में नाम आ गया। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा शायद मजाक उजाक कर रहे हैं। बट जब मैंने अपना सोशल मीडिया पे मैंने देखा तो मेरा नाम चला था, और बिल्कुल लाइक मैं लिटरली रोने लग गया फिर। और लेकिन मैंने नाश्ता वाश्ता सब छोड़ दिया और फिर मैं अपने अब्बू से मिलने गया सबसे पहले, उनको खुशखबरी दी। तो काफ़ी इमोशनल सीन था, बिल्कुल फिल्मों वाला। लेकिन काफ़ी खुशी इस बात की कि 1 साल जो भी मेहनत थी उसका रिजल्ट ऊपर वाले ने मुझे दिया है। होपफुल था काफ़ी, और टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी नाम आ जाएगा। लेकिन वही कहते हैं कि अगर आप मेहनत करें, और जिस तरह मेरे अब्बू मुझे बताते रहते हैं कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो 1 साल उस पर काम किया, बाकी ऊपर वाले ने मुझे उसका रिवॉर्ड दिया। और इसमें सिर्फ मेरा नहीं, काफ़ी लोगों का हाथ है पीछे, जिसमें आज़म भाई स्पेशली, जिन्होंने मुझे अपने क्लब में लिया, और मेरे क्लब का आलमगीर जिमखाना नाम है, जिसमें से काफ़ी प्लेयर्स पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर चुके हैं, साद अली, एहसान अली, फिर अभी मैं आया हूँ। तो यही है कि आज़म भाई का बहुत बड़ा हाथ है। फिर हमारे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे ब्रेक थ्रू दिया कि तुम PSL में जाओ और अपने आप को एक्सप्रेस करो। बाकी ट्रेनिंग जर्नी के हवाले से यही कहूँगा कि शेज़र मोहम्मद ने मेरी काफ़ी हेल्प की, सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। एंड सरफराज भाई, जिन्होंने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी टू परफॉर्म इन द PSL, और ऐसे नंबर्स पे मैं खेला हूँ जहाँ उनको पता था कि मैं परफॉर्म करवाऊँगा, और उन्होंने मुझ पर यकीन रखा कि तुम अच्छे प्लेयर हो, तुम ये कर सकते हो। सिर्फ पाकिस्तान टीम से खेलना नहीं है, पाकिस्तान टीम के साथ कंसिस्टेंटली रहना है, परफॉर्म करना है। तो कोशिश हमेशा से यही रहती है हर प्लेयर की, और यही ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान टीम को 10 से 15 साल सर्व करे, जिस तरह हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं पीछे पास्ट में गए हैं, सिचुएशंस को जो हैंडल कर ले, वही बड़ा प्लेयर बनता है हमेशा से। तो मेरी कोशिश ये थी। लेकिन क्रिस गेल से अगर मेरा कंपेरिजन करें तो मैं उनका 1% भी नहीं हूँ। लेकिन इनशाला इनशाला कोशिश ज़रूर करूँगा दुनिया में, कि अभी मुझे अगर इतना मौका मिला ज़िंदगी में तो मैं कम्पीट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मैच मैं अपना किसी से करता नहीं, लेकिन कम्पीट ज़रूर करूँगा इनशाला।